नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता का जब शंखनाद किया तो उससे किस तरह से हमारे सरकारी दफ्तर, ऑफिस, कार्यालय अछूते रह जाते, और इसी को देखते हुए स्वच्छता की एक शुरुआत सरकारी दफ्तरों में शुरू की गई 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छता 1.0 के तहत। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छता 2.0 को आगे बढ़ाया गया, कुछ नए प्रयोगों के साथ, कुछ नए प्रयासों के साथ। इन्हीं प्रयोग और प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं विशेष मेहमान भी, उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे बीच डॉक्टर हिमांशु पाठक मौजूद हैं, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। डॉक्टर पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्री आर एन सिंह साहब हैं, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्री विनीत पांडे जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी, आपका भी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं स्वच्छता 2.0 में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया गया इन सरकारी कार्यालयों को ही ना बदलने के लिए बल्कि एक पूरी कार्यशैली को बदलने के लिए, और इसका किस तरह का असर आम जनता पे भी पड़ रहा है उसे दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता अब विचारों से आगे निकलकर कर्तव्यों में तो शामिल हो ही गई है, साथ ही ये अब आदत भी बन गई है। इस बदलाव का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को जाता है, जिसकी वजह से हर जगह आज स्वच्छता का वातावरण दिखाई देता है। सरकार के स्तर पर भी स्वच्छता के जो अभियान चलाए गए हैं उसके अभूतपूर्व नतीजे देखने को मिल रहे हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अगुवाई में इसे लगातार गति मिल रही है। स्वच्छता अभियान 1.0 की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान 2.0 की शुरुआत इस साल गांधी जयंती के अवसर पर की। विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित पोर्टल पर दैनिक आधार पर की जा रही है। स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत दफ्तरों के लंबित मामलों को निपटाने में तेजी देखने को मिली है। इसके तहत लगभग 88,000 स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें पहले दो हफ्ते के दौरान करीब 38,000 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी तरह लोक शिकायतों के 2.95 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अब तक करीब 2.19 लाख का निपटारा कर दिया गया है। इसमें 12 लाख से ऊपर फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पहले दो हफ्ते में ही 7 लाख से ज्यादा फाइलों की समीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में अब तक कबाड़ के निस्तारण से 233 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वही 5.22 लाख स्क्वायर फुट जगह को खाली कराया जा चुका है। इसके साथ ही 2,651 फाइलें राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित कराई गई है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने भारत सरकार के मिशन में पूरा योगदान दिया है। इस संबंध में हमने जो भी पुरानी फाइलें थी उनको वीड आउट कर दिया है और उनकी लिस्ट बनाकर उनको डिजिटलाइज भी कर दिया है। स्वच्छता अभियान 2.0 के जरिए सरकार द्वारा की गई पहल का नतीजा हम हर उस जगह पर देख सकते हैं जहां आम जनता का रोज का सरोकार है, फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या डाकघर या फिर कोई अन्य सरकारी दफ्तर। सर, स्वच्छता अच्छी है, यहाँ के स्टाफ भी अच्छे, वर्क भी यहाँ का अच्छा है काफी। हर जगह अब स्वच्छ वातावरण दिखाई देता है। सरकार द्वारा अपनाए गए बेस्ट प्रैक्टिसेस का नतीजा है कि कई विभागों ने स्क्रैप के बेहतर प्रबंधन के जरिए ऐसे स्थल तैयार किए हैं जिन्हें व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। इसकी उम्दा मिसाल कोयला मंत्रालय के एक विभाग BCCL द्वारा तैयार गोकुल पार्क में देख सकते हैं। झरिया के पास बनाए गए पार्क में पहले सिर्फ कंक्रीट और माइंस की धूल थी, जो अब आकर्षण के केंद्र में बदल गया है। कोयला मंत्रालय के ही एक अन्य विभाग सेंट्रल कोल फील्ड ने जंक मटेरियल का बेहतरीन उपयोग करते हुए बोकारो में एक शानदार पार्क तैयार किया है।
CCL प्रबंधन ने इस उद्यान को स्क्रैप से बचे पुराने टायर, ड्रम एवं लोहे की सामग्रियों से विकसित किया है। मैं करीब 10 करोड़ का हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल का भी हम लोग लिया है एंड इसमें हम लोग रिजल्ट मिल रहा है। तो हम लोग जो एरियाज में जो 15 साइट और हेडक्वार्टर का 5 साइट किया है, इसको एकदम हम लोग सेलेक्टिवली इस पर ध्यान दे के ये पूरा अभियान इसमें चलाया जा रहा है। नॉट ओनली स्क्रैप डिस्पोजल, ई वेस्ट डिस्पोजल, पब्लिक ग्रीवेंस जो पेंडिंग है, ये सभी में हम लोग सभी मुद्दा पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह का एक अन्य उदाहरण बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है, जहां पर प्लास्टिक उपयोग न करने की हिदायत देते एक प्रतीक को तैयार किया गया है। ये यात्रियों को तो आकर्षित करता ही है, साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहां सेल्फी लेने के लिए भी रुकते हैं और स्टेशन को साफ रखने का संकल्प लेते हैं। 4.5 टन वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से करीब 2.5 टन सॉलिड वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, और रेस्ट इज वेट वेस्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम इस तरह कर रखा है कि जो वेस्ट जनरेशन है उसका सेग्रीगेशन करते हैं, तो डेली बेसिस पे वी सेग्रेगेट ड्राई एंड वेट वेस्ट। गुंटूर में दक्षिण मध्य रेलवे ने स्टेट ऑफ द आर्ट का अद्भुत नजारा पेश करते हुए पुराने रेल के डिब्बे को एसी रेस्टोरेंट में बदल दिया, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तेलंगाना स्थित IARI के कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि उपज के अवशिष्ट को जलाया नहीं जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने में किया जाता है। इससे फसलों की पैदावार में तो वृद्धि देखी ही गई है, साथ ही ये मिट्टी को बंजर होने से भी बचाती है। So, farmers generally they used to burn it and they are making it the pollution for the environment and they are simply burning. So we want to promote this as a waste management, as a process of waste management under Swachhata campaign 2.0. केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्रालयों ने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए सार्वजनिक स्थलों पर जनता के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। स्वच्छता अभियान 2.0 का प्रसार सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अन्य देशों में स्थित भारतीय मिशन में भी पूरे उत्साह से चलाया जा रहा है। हमारे सुरक्षा बल भी सर्वोत्तम उपायों को अपनाने में पीछे नहीं है, वे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। विशेष अभियान 2.0 की भारत सरकार के सचिवों द्वारा साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाती है। मंत्रालयों विभागों द्वारा 1000 से अधिक सोशल मीडिया ट्वीट्स के साथ विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की गई है। स्वच्छता को संकल्प से सिद्धि में बदलने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें केंद्रीय मंत्रियों और भारत सरकार के सभी सचिवों की भागीदारी है। भारत स्वच्छ बने, सुंदर बने, इसके लिए आइए हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान के इस यज्ञ में अपने अपने हिस्से का योगदान दें। तो हमने देखा किस तरह से इन मंत्रालयों का सिर्फ रूप नहीं बदला, बल्कि एक बड़ा संदेश भी जनता के बीच गया है। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पाठक, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सफलता स्वच्छता 1.0 की जो सफलताएं रही, उसको देखते हुए किस तरह से कुछ नए प्रयास, नए प्रयोगों को शामिल करते समय वो क्या उद्देश्य मकसद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 113 हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और 732 कृषि विज्ञान केंद्र, ये सारे संस्थानों में हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है। और पिछले बार के अगर तुलना करें हम, तो इस बार हम विज्ञान और तकनीक का सहारा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आप सब जानते हैं कि भारत गांव में बसता है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो स्वच्छता अभियान जब तक हम गांव-गांव तक, खेत खलियान तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक इसको हम सफल नहीं बना पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो 732 कृषि विज्ञान केंद्र है वो हर एक जिले में है, तो हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के साथ मिल करके, स्कूली छात्रों के साथ मिल करके, और जो भी वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या NGOs है, ये सबके साथ मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। 2-3 कार्यक्रम हम इसके साथ अभी नया अपनाया है। एक तो है जिसको हम कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ। जो भी हमारा कृषि के साथ जो वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कोई खरपतवार आ गया, कोई फसल का अवशेष आ गया, उसको किस तरीके से नए विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से वेल्थ में बदला जा सकता है। जैसे हम उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं,
ये जो वेस्ट है ये इसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो पौधों के भोजन है उसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसको अगर हम मिट्टी में दोबारा इसको रिसाइकल कर पाते हैं तो मिट्टी का गुणवत्ता भी बढ़ता है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ता है और जो फसल पैदा होते हैं उनका उपजाव भी बढ़ जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम हर एक किसान को ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से अवशेष को वेस्ट ना बना करके इसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए। और साथ साथ हमारे हर एक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनका अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से नए तकनीकों को अपना करके ये स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं जी। और एक आंकड़े अगर मैं आपको दे दूं जी, आज के दिन तक, आज 19 अक्टूबर हो चुका है, लगभग 3 लाख किसान और करीब 1 लाख छात्रों से हम संपर्क कर चुके हैं ये नए टेक्निक वेस्ट टू वेल्थ और विज्ञान के, कृषि विज्ञान के जो नए नए आयाम है वो पहुंचा रहे हैं और इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सिंह साहब, स्वच्छता अभियान 2.0 सिर्फ कुछ महीने या तारीखों तक ही सीमित ना रह जाए, इसकी शुरुआत हम स्वच्छता 1.0 से देख सकते हैं। क्या इस दौरान हम जिन बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक संदेश जनता में ले जा पाई है? क्योंकि रेलवे तो ऐसा है कि जो हर आदमी से, आम जनता से, खासकर जिस ग्रामीण भारत की हम बात करते हैं उससे तो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रेलवे एक ऐसा विभाग है जो जन जन से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। तो जो संदेश रेलवे के माध्यम से हम करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो शायद और किसी माध्यम से नहीं पहुंचा पाए। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों का सबसे जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रेलवे स्टेशन है और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन है। तो दोनों रेलवे स्टेशन पे एंट्री से लेके और ट्रेन पे चढ़ने तक या उतरने से लेके बाहर निकलने तक और ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री को कैसे हम अच्छे से अच्छा अनुभव दें ताकि उसकी यात्रा आनंददायी हो, उसमें स्वच्छता का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में स्वच्छता के ऊपर बहुत काम हुआ है और पिछले जो स्पेशल अभियान था, विशेष अभियान 1.0, उसके उससे प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने उसका दायरा और बड़ा किया है। पहले कुछ सीमित स्टेशनों पर अभियान चलाया गया था, वैसे स्वच्छता तो साल भर और कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है, लेकिन इस विशेष अभियान का अब हमने सारे रेलवे स्टेशन और सारे दफ्तरों को उसको दायरे में ले लिया है। और इस दौरान में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि स्टेशनों, मतलब जो छोटे स्टेशन भी हैं जो कि कम इस्तेमाल होते हैं और जो नजरों में नहीं आते, उनको भी हमने टेकअप किया है और उनकी स्वच्छता का स्तर और बढ़ाया है। वैसे भी हम लोगों ने सभी स्टेशनों पे 100% मैकेनाइज्ड क्लीनिंग अडॉप्ट कर ली है, ट्रेनों में भी 100% मैकेनाइज्ड, और मुझे लगता है आम जनता को भी ये अनुभव हुआ होगा कि पिछले 4-5 साल में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का एक नारा दिया है तो सबसे ज़्यादा सुधार रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में देखने को मिला है। इसके अलावा अन्य जो फोकस एरिया हैं जिस पे विशेष हमारा ध्यान है वो है पब्लिक ग्रीवेंस, क्योंकि हमारे करोड़ों यात्री रेल की सुविधा प्रयोग करते हैं और काफ़ी हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं जो कि हमारे मालगाड़ी की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। तो उनके जो उनसे इंटरेक्शन इस माध्यम से हो कि उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं या उनकी शिकायत हैं, उनकी जो तकलीफ है, उसको हमने टोटल डिजिटलाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। उसका हमने नाम दिया है रेल मदद। पहले आप अगर ट्रेन पर जाते थे तो एक रजिस्टर पर कंप्लेंट दे देते थे या स्टेशन पर दे देते थे, मांगना पड़ता था कि अगर कुछ हमें लिखना है तो, मुश्किल कार्य था। फिर वो ऐसे 13 हमने आइडेंटिफाई किए माध्यम जिनसे शिकायत आती थी, तो उन 13 के 13 माध्यम को हमने डिजिटलाइज कर दिया। अगर कोई आप पेपर पे भी दे जाता है तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं डिजिटल मोड में। ऐसे 13 माध्यम को हमने, इसमें ट्विटर भी इंक्लूडेड है, ईमेल, एसएमएस, सब कुछ इंक्लूडेड है, जो फोन हेल्पलाइन सब कुछ है, उसको एक ई प्लेटफॉर्म पर ले आके और फिर उसका हम अपने आप वो ऑटोमेटिकली उस कंप्लेंट को रियल टाइम में लास्ट माइल ऑफिसर के पास इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देता है और वो रियल टाइम में ही उसको रिजॉल्व करके वापस उस पर कंप्लायंस दे देता है। तो कुछ मिनटों में और या ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों के अंदर अंदर
उसकी समस्या का निदान हो जाता है। संवादहीनता की एक शिकायत आम जनता की हमेशा रहती है सरकारी दफ्तरों के साथ, प्रशासन के साथ, कि जिसकी पहुंच है वही पहुंच सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने उस दूरी को कम किया है। सर, आप जिस विभाग से हैं, डाक विभाग लोगों के शायद दिलों में बसता है, जैसे रेलवे से जीवन चलता है तो डाक विभाग उस तरह का है, उसके साथ लोगों की यादें हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने डाक विभाग के साथ लोगों की दूरी भी देखी है, किस तरह से सिर्फ स्वच्छता तक सीमित न रह के उस दूरी को भी कम किया जा रहा है। स्वच्छता का जो ये मिशन है, जो ये अभियान है, इसको मैं थोड़ा से बड़े संदर्भ में व्यक्त करना चाहूँगा, खास करके डाक विभाग के रिलेशन में। ये एक सोच है और इस सोच को इंटरनलाइज करना, उसको आत्मसात करना, और उसके लिए जो हमारा नेटवर्क है, जैसा कि अभी रेल के बारे में आपने सुना, तो उसके बियॉन्ड आता है, दूर दूर तक डाक विभाग का फैला हुआ नेटवर्क, और उसको सुशासन से अगर हम जोड़ें इस लार्जर कॉन्सेप्ट को, तो उसका एक अंग बनता है कि ये अभियान के पीछे पर्पस क्या है। एक स्पेसिफिक समय पे, विशिष्ट समय पे, हमने जब गत वर्ष ये कार्यक्रम किया तो उस समय हमने इसको अपने मुख्य डाकघरों में किया था, लगभग 800 के आसपास थे, और वहाँ से ये ऐसा पता चला कि अगर हम एक अभियान को चलाते हैं और फिर उससे जो सीख मिलती है, उससे बहुत सारे कुछ चीज़ें निकल के आती कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, तो उसी के पड़ाव में जब हम दूसरे चरण में जा रहे हैं तो हम उसको और आगे की तरफ, जो हमारे और छोटे पोस्ट ऑफिस हैं, दूर दराज में फैले हुए हैं, बॉर्डर एरियाज में हैं, LWE अफेक्टेड एरियाज में हैं, वहाँ तक हम इस सोच को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि डाकखाना सिर्फ एक दफ्तर नहीं है, वो एक सामुदायिक केंद्र है। तो जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है, हमारे दूर दराज के गाँव के जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, वो जब हमारे विभागीय डाकखानों से अपना एक्सचेंज करते हैं, ऑफिशियल एक्सचेंज करते हैं, उसमें एक जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट सूचना है, जो वो भी अपने आप डिसेमिनेट होती है। जहाँ तक बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रश्न है, तो हम पिछले चरण में जब हमने किया तो हमने ये देखा कि कुछ जगहों की, पहले तो घर से चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हमारा अपना ही खुद का जो दफ्तर था उसमें हमने एक आंगन एक साफ सुथरा करके क्लियर किया, और उसमें हम आप सबको आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि उसमें फूल पौधे लगने के बाद वो एक ऐसी जगह निकल के आ गई है जहाँ आप लोग मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो वहाँ से जब ये चीज़ बाकी फील्ड ऑफिसेस में गई तो वहाँ भी ये इस तरह के प्रयास होने लगे कि अगर कभी कभी होता है कि हम बस एक सेंस ऑफ नेग्लेक्ट है कि पोस्ट ऑफिस जब बना, सामने में एक गार्डन का स्कोप रखा गया था, ओवर द ईयर्स उसमें वो झाड़ झंखाड़ इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगर हर वर्ष ये चीज़ आती है कि भाई उसको कम से कम धो पोछ दिया जाए और उसकी सफ़ेदी करा दी जाए, और उस जगह में अगर आप पौधे लगा करके उसको मेंटेन करते हैं, तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आप इसको दूर दराज के कॉन्सेप्ट में देखें, मतलब सिर्फ शहरों में ना देखें, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे डाक विभाग में आए दिन रोज लाखों बैग सील किए जाते हैं, तो जो एक शुरू से हमारा चला रहा था कि एक वो लाख आप समझती होंगी जिसको चपड़ी भी बोलते हैं, तो वो उबलती रहती थी एक कंटेनर में और उसमें से ही निकाल के वो बैग सील किए जाते थे। अब उसका जो धुआं है, कभी उस पर ध्यान नहीं गया कि वो छोटी सी जगह में क्या इम्पैक्ट करता है, कितना नुकसान कर रहा है। तो अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं जिसमें कि हम इको फ्रेंडली कुछ ऐसा डिवाइस लगा सकते हैं जिसकी वजह से कि अब हमें उस चपड़ी और उस धुएं से छुटकारा मिले। जब ये चीज़ें क्लिक करके आई सामने, तो कुछ पोस्ट ऑफिस जो हुआ, तो हम इसको पूरे देश में वो पुरानी जो प्रथा थी उसको ख़त्म किया जाएगा, तो गंदगी भी बचती है। तो ये उत्तरोत्तर ऐसा हो रहा है कि ये सब कुछ मिल करके फिर वो सेवा में कन्वर्ट हो जाता है, कि मतलब स्वच्छता ही सेवा है का जो ये भाव है, और जब वो उसका इंटरनलाइजेशन होगा अक्रॉस द कंट्री, तो वो वर्ड ऑफ माउथ से या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम शेयर करेंगे उससे वो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम स्वच्छता के लिहाज से देखें, तो एक तरह से अब भारत एक दूसरे चरण में है जहां लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आप तीनों से एक बड़ा सवाल ये भी है, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, डिजिटाइज्ड दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो ई कचरा है, ये भी बहुत बड़ी एक आने वाले समय में एक समस्या, और शायद अब समस्या एक बनने लग गया है ई कचरा भी। कैसे आप लोग, क्योंकि जब हम उस तरह के कचरे से हम आज फारिग हुए हैं, निजात पाई है हमने, तो एक नया कचरा भी एक कॉन्सेप्ट में है, उससे भी किस तरह से निपटने की तैयारी, क्योंकि उसकी भी अपनी एक पूरी ट्रेनिंग है। एक खुशी की बात यह है कि
आज के दिन लगभग 90% 90% काम हमारा ई ऑफिस के जरिए से हो रहा है। जो जो हम कागज का इस्तेमाल करते थे वो लगभग बंद होने वाला है, लगभग समाप्त। तो इसमें जो है कि कचरा का भी जो जनरेशन होता है वो भी काफी कम हो गया है। भौतिक कचरा जो दिख रहा है वो तो नहीं है कम से जी, ये तो कम से कम नहीं है। दूसरा जो साथ साथ हम जो है कि जैसे कृषि जो हमारा इंस्टीट्यूट है काफी सारे टेक्नोलॉजी निकलते हैं, वेराइटीज निकलते हैं, किस तरीके से पानी का प्रबंधन किया जाएगा, किस तरीके से मिट्टी का प्रबंधन किया जाएगा। तो आजकल ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है कि हमारे नेट पे उपलब्ध है, वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो कोई भी किसान वहाँ जा करके पता कर सकता है कि अगर कौन सा फसल उनको उगाना है, कैसे उगाना है, कोई अगर बीमारी है तो उसके लिए कौन सा दवाई देना है। तो ये सब जब हम कर रहे हैं तो एक तो समय की बचत हो रही है और सटीक जानकारी किसानों को मिल रहा है उसमें। और जो भी जो वेस्ट का जो बात कर रहे हैं वो वेस्ट का जनरेशन भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। पांडे जी ने जिस तरह से कहा कि स्वच्छता को सिर्फ सफाई तक सीमित न रख के उसको एक बड़े पैमाने पर देखने की जरूरत है, वो जो तब्दीली है, तो अगर आज हम आपसे ये पूछें कि आप स्वच्छता 2.0 15 से 18 दिन बीत चुका है और जब एक महीना ये बीतेगा 31 अक्टूबर के बाद, आप इसकी क्या परिभाषा देंगे? मैं यही परिभाषा दूंगा कि सभी के अंदर, चाहे वो किसी दफ्तर में काम करे या किसी खेत में काम करे, एक सोच आ चुका है कि सफाई रखना है, स्वच्छता के ओर जाना है। और दूसरी जो उनको आज विश्वास होने लगा है कि तकनीकी से, चाहे वो मशीन के जरिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए हो, इस काम को जो है कि आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो एक तो विज्ञान और तकनीक का जो है कि ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, और उसके साथ साथ स्वच्छता का जो मनोभाव है, जो हमारा विचार है, हम उस तरफ जा रहे हैं। सिंह साहब, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि परिभाषा तो है ही अपने आप में, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मॉडल रेलवे स्टेशन के तौर पर हम देखना चाहें तो हम नेट पे ही देखना चाहें कि किस तरह से देश में रेलवे स्टेशन की न सिर्फ तस्वीर बदल रही है बल्कि जो नई तकनीक है उसके इस्तेमाल से किस तरह से जीवन आसान भी हो रहा है। तो उसका जीवन को आसान, एक आपने स्वच्छता की बात की कि तो स्वच्छता केवल पहले ये एक इंडिविजुअल की चॉइस थी, अभी भी चॉइस है, लेकिन पहले ये इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो इन जो अभियानों से क्या हो रहा है कि आम जनता इससे जुड़ रही है, या सामाजिक जिम्मेदारी भी, सामाजिक जिम्मेदारी है। किसी भी जो साफ सुथरा देश अगर आप देखें तो वहां का हर आदमी स्वच्छता के प्रति जागरूक होता है। तो ये जागरूकता अब हमारे लोगों में आ रही है, कोई सब लोग अपना अपना क्षेत्र साफ रखेंगे तो अपने आप पूरे देश में सफाई हो जाएगी। तो इन अभियानों का सबसे बड़ा जो असर आया है वो आम जनता की मानसिकता और सोच में आया है और उनकी जागरूकता में आया। दूसरा, आपने पूछा कि रेलवे में कैसे हम नई तकनीकों के जरिए, अब आपने सुना होगा जैसे कि हम अपनी रेलों को जो वर्ल्ड की बेस्ट रेलवे हैं उनके स्टैंडर्ड पे ले जाने के लिए अभी हमारे काफ़ी कमियां हैं। अगर आप यूरोप में जाएं या और देशों में, विकसित देशों में जाएं जहां बुलेट ट्रेन चलती हैं या अच्छे उनकी ट्रेनें ज़्यादा साफ सुथरी, ज़्यादा तेज हैं, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, जो कि हम वर्ल्ड क्लास 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा की गति से उस पर बुलेट ट्रेन कुछ सालों में आपको चलने, आप उसका आनंद ले सकते हैं। जो हमारे बेस्ट ट्रेन डिजाइन है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वंदे भारत जो हम लोग बना रहे हैं उसका पहला वर्जन 2019 में जी हुआ था, अभी दूसरा वर्जन अभी पिछले हफ्ते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके अलावा और इसके नेक्स्ट वर्जन और अपग्रेडेड वर्जन अब धीरे धीरे आ रहे हैं, और अगले 4-5 साल में आप देखेंगे कि जो पुराने कोचेज होते थे वो पूर्णतया जो है वंदे भारत टाइप की ट्रेनें इस पर आ जाएंगी। तो धीरे धीरे ये हमारी, हम हायर टेक्निक की तरफ और इंडिजिनाइज वे में बढ़ रहे हैं। पांडे जी, आपने इस बात की शुरुआत की कि किस तरह से इसका इसको एक व्यापक चश्मे से देखने की जरूरत है, इस स्वच्छता अभियान को। अगर हम सिर्फ डाक विभाग की ही बात करें, आम जनता के बीच किस तरह से वो संदेश जा रहा है कि डाक विभाग न सिर्फ बदला है लेकिन आपकी सुविधा आपके लिए जिस तरह से पहले हमेशा हाजिर था। हालांकि कोविड के दौरान हमने देखा रेलवे और डाक विभाग दो ऐसे क्षेत्र रहे जिन्होंने उस मुसीबत में डट कर खड़े रहे हैं लोगों के साथ।
किस तरह से वो एक बदलाव हम देख रहे हैं। आपके इस प्रश्न के पहले मैं आपके पिछले प्रश्न पे जाना चाहूंगा जहां आपने ई वेस्ट डिस्पोजल की बात की। जी। वो हमारे संदर्भ में काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जैसा आपको पता है कि हमारे डाकखाने दूर दराज के क्षेत्रों में है, तो कई जगह ऐसा होता है जहाँ एक सिस्टम होगा लगाया हुआ होगा, दो होगा, उसमें ऑब्सोलेंस आता है। तो उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया तैयार करके कि जैसे कि किसी तहसील हेडक्वार्टर पे हो, वहाँ से उसको लाके डिविजनल लेवल पे पहुँचाना और फिर उसका जो भी डिस्पोजल प्रिस्क्राइब्ड है उसमें हम तत्पर रहते हैं ताकि वो क्लटर ना इकट्ठा हो जाए। मतलब एक गंदगी गई और दूसरी शुरू हो गई तो वो दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। दूसरा उसका जो आयाम है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सारे सिस्टम्स आ गए हैं, आईटी इंटरवेंशन हो गया है, लेकिन वो मानसिकता वही रहती है कि भाई कागज भी बचा के रखना है और पुराने वाले रिकॉर्ड्स वो भी रखते हैं। वो सोच धीरे धीरे आने का, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों के अंदर और वो नीचे तक पहुंचाना, क्योंकि छोटे छोटे दफ्तर होते हैं उसमें लगभग एक चौथाई जगह जो है सिर्फ पुराने रिकॉर्ड है जिनका कोई उद्देश्य अब नहीं है। तो वो एक जज्बा है एज फार एज आपने जो इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट की बात करी। रही बात की जन भागीदारी में, कई डाकखाने ऐसे होंगे हमारे जो हम हजारों में जा रहे हैं आगे, कोई हम उसको कहते हैं सिंगल हैंडेड, मीन्स वहां पे एक पोस्ट मास्टर होता है लेकिन हमारा विभागीय बिल्डिंग होता है साफ सुथरा, एक अच्छा एक कंस्ट्रक्शन अवेलेबल है उस छोटी सी जगह पे। वहां पे आप देखेंगे रैंडमली कि अपने काम के अलावा भी लोग आके बैठ जाते हैं और जस्ट वो कभी बात करेंगे पोस्ट मास्टर से या पोस्ट मास्टर उनसे बात करेगा या फिर वो बैठेंगे, कोई जो आ रहे हैं कस्टमर आपस में मिल लेंगे, वो एक मीटिंग पॉइंट भी होता है, जैसे गांव के चौराहे का वो चबूतरा होता है वैसे कोई। वहां पे जो चर्चाएं होती हैं उसको अगर आप सुनेंगे या देखेंगे तो नॉट ओनली द पोस्ट ऑफिस स्कीम्स अदरवाइज ऑल्सो जो और भी केंद्र सरकार की सेवाएं हैं जा रही उसके बारे में जो अवेयरनेस है, और ये खास करके जैसे यही अभियान अगर आप ले लें तो वो जो वर्ड ऑफ माउथ से वहां क्लियर होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट एज सच नहीं। आप मेल भेजेंगे, आप चिट्ठी भेजेंगे, लेकिन जो एक दूसरे से लोग जानते जाते हैं उसी प्रकार से जब वो देखेंगे कि एक चेंज आ रहा है कि भाई पोस्ट ऑफिस में अब जगह ज्यादा दिख रही है, पोस्ट ऑफिस में अब उस तरह के गंदे गंदे वो रजिस्टर और पुराने वो नहीं दिख रहे हैं, तो अपने आप मेरा मानना है कि इट विल गो ए लॉन्ग वे। लोगों ने समझा कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस ये सब अपना हमारा है जो हमारे उस दुख दर्द को समझता है, तो इसलिए बड़ी सारी उम्मीदें भी लोगों की रहती हैं कि इनकी तस्वीर उस तरह से ही बदलेगी जिस रफ्तार, जिस डिजिटल रफ्तार के साथ दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है, वही बदलाव हमें इन तमाम क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। आप लोगों ने जिस तरह से बताया कि स्वच्छता 2.0 में जो नए प्रयास किए गए हैं उनके असर दिखाई दे रहे हैं, एक महीने तक ये सीमित नहीं रहेगा, ये व्यवहारिकता में आते हुए अब एक बड़े बदलाव के तौर पर आने वाले समय में देश की बदली हुई शक्ल के तौर पर भी दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमारे साथ विस्तार से ये देशवासियों को बताने के लिए कि किस तरह से देश में एक बड़ा बदलाव लगातार हो रहा है। धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।